I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. तो कैसे हैं आप? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं, तो भगवान से आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। अभी आप जो मेरे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है धारी देवी का। तो पूरे रास्ते का ब्लॉग तो नहीं बना पाए क्योंकि हमारे पास मोटो ब्लॉगिंग का कोई सेटअप है नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर, तो अभी हम यहाँ पर रुक गए थे क्योंकि आजकल काफ़ी पहाड़ों में काफ़ी ठंडा होने लग गया है, क्योंकि मैंने आप देख सकते हैं स्वेट पहनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडा होने लग गया है, तो इसीलिए काफ़ी ठंडा हो गया था। तो हम अभी यहाँ पे रुक गए हैं, तो सामने से आपको करा देते हैं धारी देवी के दर्शन। ये सामने से जो मंदिर है वो धारी देवी का मंदिर है। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का शुभारम्भ। हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ के इन हसीन वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग का। यहाँ पे दुकान के बाहर में काफ़ी अच्छी सजावट कर रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं बैठने के लिए चेयर बना रखी है और टायरों से ऐसे बैठने के लिए चेयर बना रखी है। यहाँ पे खटिया लगा रखी है और सामने से नज़ारा है धारी गांव का। और यहाँ पे थोड़ा आगे चलने पे जहाँ पे ये ढाबा है रोड पे, तो ढाबा के नीचे थोड़ा नीचे जाने पे यहाँ पे धारी देवी के दर्शन करने के लिए काफ़ी अच्छा एक चबूतरा टाइप का बनाया गया है। तो यहाँ से आप माँ धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो सामने से दिख रहा है माँ धारी देवी का मंदिर, काफ़ी अच्छा व्यू बना रखा है रोड पे, और यहीं से आप माँ धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, जितने भी टूरिस्ट लोग होते हैं, वो यहाँ से भी धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ श्रीनगर, तो जैसे जैसे आगे जाऊँगा आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से वैसे अपनी पूरी जो दिन की दिनचर्या होती है वो ब्लॉग के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। और ये आपको जो सामने से रोड दिखाई दे रही है, ये है NH नेशनल हाईवे, और सामने से ये सुंदर सा नज़ारा है अलकनंदा नदी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो श्रीनगर वाली झील है, उस झील के कारण से पूरी नदी का पानी रुक रखा है, और बीच अलकनंदा नदी के बीच में बना है सुंदर माँ धारी देवी का मंदिर। अभी मैं पहुंच गया हूं श्रीनगर गढ़वाल। तो ये आपको जो पूरा नज़ारा दिख रहा है, ये श्रीनगर के गोला मार्केट मार्केट वाली कॉलोनी है, ये जो पूरी आपको दिखाई दे रही है। पूरी जो आपको सामने से वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो चौरास वाला पहाड़ है, और इसके जो सामने दिख रहा है इसके पीछे ही गोला मार्केट है। और मुझे कुछ काम है श्रीनगर के गोला मार्केट में, तो चलते हैं गोला मार्केट और आपको भी दिखाते हैं गोला मार्केट। श्रीनगर गढ़वाल गढ़वाल का सबसे बड़ा शहर है। श्रीनगर गढ़वाल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी प्रकार के संस्थान, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी प्रकार के इस शहर में मौजूद हैं, और यह शहर गढ़वाल को विकसित करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। श्रीनगर गढ़वाल का गोला मार्केट श्रीनगर की दिलोजा में बसता है, और श्रीनगर की गोले मार्केट की सुंदरता श्रीनगर शहर को चार चांद लगा देता है। अभी आप जिस मार्केट को देख रहे हैं, यह श्रीनगर का सब्जी मंडी वाला मार्केट है। शाम को यहाँ पे पूरी सब्जियों की ठेली सज जाती हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है पूरे मार्केट में। और ये सुंदर सा नज़ारा है
श्रीनगर की गोला मार्केट का। अभी आप सभी लोगों को श्रीनगर मार्केट का पूरा शाम का व्यू दिखाई दे रहा है, तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। हमने श्रीनगर मार्केट, जो गोला मार्केट में हमारे काम थे, वहाँ के पूरे काम निपटा दिए हैं, तो धीरे धीरे चलते हैं अलकेश्वर घाट की ओर और आपको वहाँ की सुंदरता भी दिखाते हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। अभी मैं पहुंच गया हूं श्रीनगर के अलकेश्वर महादेव घाट पे, जो कि नैथाना पुल के नीचे बना हुआ है। तो यहां पे काफ़ी अच्छे नदी के किनारे काफ़ी अच्छे पार्क बने हुए हैं बैठने के लिए और घूमने के लिए। काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जब नदी का स्तर बोले तो नदी जब ज़्यादा नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है तो ये पूरा घाट पूरे पानी से भर जाता है। तो अभी आप यहाँ सामने देख सकते हैं, जब नदी ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ तक पूरा रेता भर जाता है। और जो मेरे पीछे आप उन जो ग्रिल और एंगल लगे हैं उन पे आप देख सकते हैं, नदी द्वारा लाया गया काफ़ी कूड़ा अटका हुआ है। तो आजकल जब नदी का जलस्तर कम हो जाता है तो पूरे पार्क दिखने लग जाता है और यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ बढ़ जाती है शाम को, क्योंकि यहाँ पे आने से मन को काफ़ी सुकून होता है। तो जितने भी लोग श्रीनगर गढ़वाल के इर्द गिर्द के लोग होते हैं तो वो यहाँ पे घूमने आ जाते हैं। अभी जो आपको ये सामने से जो ये पुल दिखाई दे रहा है, ये नया पुल बन रहा है, इसमें अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और जब यह नया वाला पुल बन जाएगा तो जो ये आपको सामने से जो ये वाला पुल दिख रहा है, ये पुल, इस पुल का लोड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इसी पुल से अभी पूरी जो चौरास नैथाना की आवाजाही होती है तो इसी पुल से ज़्यादा होती है। और एक दूसरा पुल भी है जो आगे से बना हुआ है, पर उस पुल में उतनी आवाजाही कम होती है। तो इस पुल में टू व्हीलर वाली जितने भी टू व्हीलर होते हैं तो इसी पुल से जाते हैं, और जो इतने भी पैदल जाने वाले नैथाना से जो श्रीनगर का संपर्क है तो वो इसी वाले पुल से होते हैं। और जब कुछ ही दिनों बाद जब ये पुल तैयार हो जाएगा तो इस पुल से फोर व्हीलर, टू व्हीलर और जितने भी पैदल यात्री होते हैं तो इस पुल से जाएंगे। तो कुछ ही दिनों बाद ये पुल चालू हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं शाम के बज गए हैं 5 और पूरा सूर्यास्त हो चुका है, वहाँ से देखिए। मैं श्रीनगर से वापस आ गया हूँ, तो यहाँ पे अभी हम करेंगे नाश्ता और उसके बाद मैं आपको श्रीनगर गढ़वाल के जो बीच में धारी देवी से 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है सुंदर सा बीच, तो अभी आपको ले जाऊँगा सुंदर से बीच में। अभी आपको ये सुंदर से बीच का जो नज़ारा दिख रहा है, ये है श्रीनगर गढ़वाल का गोवा बीच। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो सामने से जो नदी बह रही है वो अलकनंदा नदी है और काफ़ी स्लो से अलकनंदा बहती है। अभी आपको कोई भी शोर नदी का नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो सभी लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं, घूमने आते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और जो भी लोग नदी के किनारे बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है बैठने के लिए। तो आजकल काफ़ी खुल गया है यहाँ पे पूरा जो बीच होता है, काफ़ी खुल गया है, क्योंकि जब पानी ज़्यादा होता है तो पानी का स्तर से यह पूरा डूब जाता है। तो जैसे ही ठंडियों का टाइम होता है और पानी का स्तर धीरे धीरे कम होता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा घूमने के लिए होता है। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने आते हैं, घूमने आते हैं। तो ये सुंदर सा नज़ारा है श्रीनगर और धारी देवी के बीच में, श्रीनगर गढ़वाल का गोवा बीच। तो यहाँ पर आप समुद्र के किनारे वाला गोवा बीच का आनंद ले सकते हैं, वो आनंद भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा।
काफ़ी अच्छी जगह है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, यहाँ पे आ सकते हैं आप और काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए सामने से सुंदर सा नज़ारा और दूर सुदूर पहाड़ों का नज़ारा, और ये सुबह का नज़ारा है। लगभग अभी 9 बज रहे हैं तो ये सुबह का नज़ारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट लोग भी आ रखे हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने, जितने भी बीच लवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी श्रीनगर गढ़वाल की यह काफ़ी सुंदर जगह है। जब कभी भी आप यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादा दूर न जाएं, क्योंकि नदी काफ़ी गहरी है, और जो ये आगे आगे वाली रेत आपको दिखाई दे रही है पूरी भीगी हुई रेत है, तो यहाँ न जाएं, क्योंकि यहाँ आप नदी में डूब सकते हैं और रेत में नीचे धंस सकते हैं। तो ये जब भी आप ऐसे कहीं भी पहाड़ों के बीच में आते हैं और ऐसे नदी के किनारे आते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि नदी के पास ज़्यादा शोर न करें और ज़्यादा दूर तक न जाएं, और दूर से ही इन प्राकृतिक जो नज़ारे होते हैं उनका आनंद लें, और जो ये हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं उनकी हमेशा सुरक्षा करें, और ऐसे बीचों पर गंदा या ऐसी अन्यथा चीज़ें न करें। और जो ये सुंदर जो प्रकृति के हमें अनमोल चीज़ें दी हैं उनका आनंद लें और उनकी सुरक्षा करें। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का समापन। तो जो भी जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।